Again, morning to all of you. Welcome back to study point. Once again, we are going to perform another experiment. आज हम एक नया experiment करेंगे, जिसमें देखेंगे किसी भी base में जब हम phenolphthalein को add करते हैं, तो क्या-क्या changes होते हैं acid में और क्या-क्या changes होते हैं base में. तो पहले हम लेंगे एक base, जिया sodium hydroxide, एक आपका boiling tube है, इसमें लेते हैं. और एक test tube और ले लेंगे, boiling tube जिसमें हम ले लेंगे एक दूसरा acid, आपका क्या? डाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और चेक करेंगे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपका होता है जब इसमें फिनोल्फ्थ्रीन इंडिकेटर हम ऐड करते हैं. तो देख लीजिए, बिल्कुल आपके दोनों जो एसिड्स और बेस हैं, ये दोनों बिल्कुल क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट हैं. ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब में आपने एसिड लिया और किस में आपने बेस लिया है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोल्फ्थ्रीन इंडिकेटर, इस इंडिकेटर की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में आपका बेस है. यह दोस्तों आपको पता है कि आपका जो फिनोल्फ्थ्रीन होता है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड में तो कोई कलर चेंज नहीं देता, लेकिन बेस में ऐड करते ही आपका ये पिंक कलर शो करेगा. तो हम चेक करते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है, किस टेस्ट ट्यूब में आपका बेस है विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोल्फ्थ्रीन इंडिकेटर. जैसे यहाँ पे देखिए, हमने डाला कोई भी चेंजेस आपके परफॉर्म नहीं हुए, और यहाँ पे हमने फिनोल्फ्थ्रीन डाला, देखिए आपका कलर चेंज हो गया. तो मतलब आपका यहाँ पे देखिए बेस है और यहाँ पे आपका ये एसिड है. तो इस तरह से हम फिनोल्फ्थ्रीन इंडिकेटर की हेल्प से एसिड और बेस का डिटेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.